आजकल देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उर्फ कांग्रेस काफी चर्चाओं में है। एक तरफ कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बगावत के सुर ताल में ताल मिला रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अलग है वो है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। राहुल गांधी आजकल इन सबसे अलग अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। राजनीतिक समीक्षक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सफल भी मान रहे हैं। केरल से शुरू हुई ये यात्रा अब कर्नाटक से गुजर रही है। 2 अक्टूबर की देर शाम राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो बारिश के बीच जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। राहुल का बारिश के बीच का ये भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कई लोग राहुल के इस बदले स्वरूप की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचक भी हैं। राहुल का बारिश के बीच का ये भाषण हमें शरद पवार की याद दिला रहा है, जब पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही ऐसी ही बारिश में राज्य की जनता को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि गर्मी, तूफान, ठंड अब इस यात्रा को नहीं रोक सकती। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा दिखाई नहीं देगी। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। राहुल गांधी पूरी तरह से भीगे हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बीच मंच में माइक थाम कर वो बेधड़क खड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस मौके को भुनाते हुए सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि कल सूरज ने कहा सियाह रात से, ये वक्त अब तेरे ढलने का है। बादलों की ओट हो या तूफानों का साया, ये वक्त अब मेरे निकलने का है। राहुल गांधी के बारिश के बीच इस भाषण को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स कर हमें जरूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।